फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 5G के ऊपर वीडियोस बनाइए, तो आज का टॉपिक मैंने वहीं से लिया है, 5G आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल स्टैक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई है। तो जैसे कि 5G है उसको NR भी बोलते हैं, न्यू रेडियो। तो आजकल सब आप सुन रहे हो गए NR, तो वो 5G ही है, 5G इक्वल्स टू न्यू रेडियो। अब देखिए, जो 5G है उसको 3GPP ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फेज वन एंड फेज टू। जो शुरू में रिलीज करेंगे वो फेज वन रिलीज 15 में, ये आ चुका है फेज वन, और फेज टू जो है वो रिलीज 16 में। तो दो फेजों में 5G को डिवाइड किया है, फेज वन एंड फेज टू, और इसको हम NR न्यू रेडियो बोलते हैं। और देखिए 5G के अंदर, अब मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम इसके आर्किटेक्चर पे आएंगे। 5G के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको भी दो उसमें डिवाइड किया है, FR1 और FR2 में। तो इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसीज हैं। अब जो FR1 है वो सब 6 GHz बोलते हैं उसको, और FR2 में 24 GHz to 53 GHz, ये हाई फ्रीक्वेंसी। और जो मिलीमीटर वेव का भी आपने सुना होगा वो FR2 के अंदर आती है। तो FR1 की जो रेंज है 450 MHz to 6000 MHz, और इसकी 24250 MHz to 52600 MHz, तो ये इसकी रेंज है 24 GHz to 53 GHz FR2 की। तो ये दो फ्रीक्वेंसी इन्होंने डिवाइड किए 5G में, FR1 एंड FR2। तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अब कुछ एब्रीवेशन इसके अंदर यूज होंगी 5G के अंदर, जैसे 5G C को बोलेंगे 5G कोर नेटवर्क, AMF एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, UPF यूजर प्लेन फंक्शन, NG-RAN नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, G-NodeB नेक्स्ट जनरेशन NodeB, NG-NodeB नेक्स्ट जनरेशन E-NodeB। तो ये कुछ एब्रीवेशन हैं जो 5G के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। 4G से इसमें कुछ कुछ नई चीजें, नए नए नाम इन्होंने दिए हैं, तो ये एब्रीवेशन है। अब देखिए, इसके अंदर NG-RAN नोड हम बोलते हैं। तो NG-RAN के अंदर दो तरह की NodeBs आ सकती हैं, जैसे G-NodeB एंड NG-NodeB। जो नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसके अंदर दो इन्होंने डिवाइड किया है, या तो G-NodeB होगा या NG-NodeB। तो G-NodeB है वो कंप्लीट 5G है, उसके अंदर LTE यूज नहीं होगा, प्रोवाइडिंग NR यूजर प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल टर्मिनेट्स टुवर्ड द UE। NG-NodeB प्रोवाइडिंग EUtra यूजर प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल टर्मिनेट्स टुवर्ड द UE। अगर आपके यहाँ खाली G-NodeB लगा हुआ है आपके नेटवर्क के अंदर और UE उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5G नेटवर्क है, उसके अंदर LTE नहीं है। लेकिन जब शुरू में जो LTE का डिप्लॉयमेंट हुआ है कुछ जगहों पे, जैसे साउथ कोरिया में या कुछ कुछ US में, या कुछ 5G जो टावर्स लगे हैं वो उसमें शुरू में NG-NodeB के थ्रू हुआ है, उसमें डायरेक्ट G-NodeB नहीं, क्योंकि डायरेक्ट G-NodeB कंप्लीट 5G है। लेकिन शुरू में जो डिप्लॉयमेंट हुई है वो LTE के थ्रू हुई है 5G के अंदर, तो उसमें NG-NodeB यूज हुआ है। द G-NodeBs एंड NG-NodeBs आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ XN इंटरफेस। अब देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है 5G का, अब यहाँ पे ये देखिए, NG-RAN जो मैंने आपको बताया था, दो G-NodeB हो सकती हैं, G-NodeB NG-NodeB से भी कनेक्ट हो सकती है, या दो NG-NodeBहो सकती हैं। तो ये सब XN इंटरफेस से कनेक्टेड है। ऐसे ही LTE में भी होता था, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दोनों को आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब ये 5G का कोर है, यहाँ पे AMF UPF है, AMF मैंने आपको बता ही दिया, एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, और ये यूजर प्लेन फंक्शन। सो ये दो, ये G-NodeB से कनेक्टेड है या NG-NodeB से, दोनों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये NG इंटरफेस है इन सबके बीच में, और जो टावर है, जो G-NodeB है या NG-NodeB है, वो XN इंटरफेस से कनेक्टेड है, और अगर AMF और UPF से कनेक्ट होना है तो NG इंटरफेस। तो ये एक बेसिक 5G का आर्किटेक्चर है, ये 5G C एंड NG-RAN। अब इसको मैंने इस डिफरेंस में भी आप देख लीजिए, वहां पे MMES गेटवे होता था, यहाँ पे AMF UPF है, इधर E-NodeB, यहाँ G-NodeB, यहाँ खाली E-NodeBs ही होती थी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि कुछ और E-Node। इन्होंने यहाँ पे NG-NodeB और G-NodeB का कंसेप्ट दे दिया है, और ये कनेक्टेड है NG इंटरफेस से, यहाँ पे X1 इंटरफेस से था, सारी E-NodeBs आपस में X2 से होती थी, यहाँ जितनी भी G-NodeB या NG-NodeB होंगी वो XN इंटरफेस से कनेक्टेड होंगी।
वहां पे ई यूट्रन बोलते थे या एनजी रैन बोलेंगे इसको, तो ये आपको याद रखने में आसानी रहेगा। ये एलटी का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5G का ओवरऑल आर्किटेक्चर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये डायग्राम भी, 5G का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, क्या क्या उसमें नोड्स है और कैसे कैसे वो कनेक्टेड है, और ये एलटी और 5G में क्या क्या डिफरेंस है बेसिक आर्किटेक्चर वाइज। अब देखिए, ये 5G का कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक है, सेम बिल्कुल एलटीई की तरह ही है। आप देखिए यहाँ पे बस एएमएफ आ गया एमएमई की जगह, और यहाँ ई नोड बी की जगह जी नोड भी आ गया। फिजिकल मैक, आरएलसी, पीडीसीपी, आरआरसी, नैस लेयर यूई में होती है। जी नोड बी के अंदर फिजिकल मैप, आरएलसी, पीडीसीपी, आरआरसी, नैस लेयर जी नोड बी में नहीं होती, जैसे वहां पे एमएमई के अंदर नैस होती थी, यहाँ एएमएफ में नैस होती है। यूई जो नैस का पैकेट है वो एएमएफ में जाने के लिए उसको आरआरसी के अंदर पिगी बैग होकर जाना है, सेम लाइक एलटीई में होता था। तो यहां से पैकेट ऊपर से नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर, फिर ऐसे पैकेट ट्रांसफर होता है जैसे प्रोटोकॉल स्टैक में नॉर्मली एलटीई में होता है। तो ये उसका कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक है 5G का। और ये यूजर प्लेन स्टैक ये भी सेम है, इसमें एक और लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है 5G यूजर प्लेन के अंदर, एसडैप लेयर। तो एसडैप आपको पता होनी चाहिए, ये एसडैप लेयर इंट्रोड्यूस हुई है 5G के अंदर। तो फिजिकल मैक, आरएलसी, पीडीसीपी, यहाँ एसडैप, जी नोड बी में भी एसडैप है। तो एसडैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूओएस फ्लो हैंडलिंग अक्रॉस द 5G एयर इंटरफेस। अब इन्होंने जितना भी क्यूओएस है, जो भी उसका फ्लो का हैंडलिंग होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस का, वो एसडैप लेयर को इन्होंने दे दिया है, एक प्रॉपर लेयर दे दी है जो कि सारा क्यूओएस को मेंटेन करेगी। इन पर्टिकुलर एसडैप बिन मैप ए स्पेसिफिक क्यूओएस फ्लो विद इन ए पीडीयू सेशन टू ए कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा रेडियो बेयर। जो भी QoS का PDU सेशन होगा उसको, जो DRBs होते हैं हमारे डेटा रेडियो बेयर, उसको ये मैप करने का काम करेगी। तो ये आज का बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या 5G की टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या एब्रिवेशंस हैं, क्या उसका आर्किटेक्चर है, क्या उसका प्रोटोकॉल स्टैक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं नए नए वीडियोज आपसे शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5G फ्रेम स्ट्रक्चर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो 5G फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर LTE का भी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये जो पिलर है ये आपको जरूर मिलेगा। जो इसका बेस है वो होता है फ्रेम, उसके ऊपर होता है सब फ्रेम, देन स्लॉट, देन सिंबल। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर फ्रेम होता है, फिर सब फ्रेम होता है, देन स्लॉट एंड देन सिंबल। तो इसी के बेस पे आज हम देखेंगे कि 5G फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस इन्होंने डाले हैं। तो इसको याद रखिएगा, फ्रेम, सब फ्रेम, स्लॉट एंड सिंबल्स। अब देखिए, जो 5G फ्रेम हैज ए ड्यूरेशन ऑफ 10 मिलीसेकंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 10 सब फ्रेम्स हैविंग 1 मिलीसेकंड ड्यूरेशन ईच। अब इसमें तो कुछ इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। एलटी का भी 10 मिलीसेकंड का ही सब फ्रेम होता था, और उसके अंदर भी 10 सब फ्रेम होते थे 1 मिलीसेकंड ईच के। इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो किया है न्यूमरोलॉजी, ये जो न्यू है इसको म्यू भी बोलते हैं, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 5G के अंदर। अब न्यूमरोलॉजी कैन बी रिफर टू एज ए सब कैरियर स्पेसिंग, इट इज लेबल्ड एज ए पैरामीटर म्यू। अब जो हमारी सब कैरियर स्पेसिंग है उसके बेस पे हमारे जो ये स्लॉट्स हैं या सब फ्रेम है ये सब डिपेंड करेंगे कि क्या क्या एलोकेट होगा। तो अगर न्यू की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आप देखिए ये न्यू न्यू जो है इसकी 5 वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसकी ये वैल्यूज है। अब ये इसका फार्मूला है 2 की पावर μ × 15 kHz। अब म्यू की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे सब कैरियर स्पेसिंग मिलती जाएगी। अगर यहाँ जीरो करेंगे तो 15 kHz, अब म्यू अगर जीरो है तो 15 kHz जो कि हमारा LTE में भी 15 kHz ही था। अब म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो 30 kHz, 2 है तो 60 kHz, 3 है तो 120 kHz और 4 है तो 240 kHz। अब इस तरह से इन्होंने जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर दिया है सब कैरियर स्पेसिंग के बेस पे। LTE के अंदर 15 kHz की सब कैरियर स्पेसिंग एक ही थी, लेकिन यहां पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे जैसे म्यू की वैल्यू अलग होगी 0, 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे सब कैरियर स्पेस
पेसिंग की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, 15 किलोहर्ट्स, 30, 60, 120 एंड 240, और आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो सब डिफरेंट होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे डिफरेंट होएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे न्यू की वैल्यू जीरो है तो 15 किलोहर्ट्स की ये सब कैरियर स्पेसिंग है, 1 है तो 30 किलोहर्ट्स, 2 है तो 60 किलोहर्ट्स, 3 है तो 120 किलोहर्ट्स। नोट, इन एलटी देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलोहर्ट्स, वेयर एज इन एनआर और 5G मल्टीपल टाइप्स ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग आर अवेलेबल। जो कि अब ये हमने डायग्राम से इसे देख भी लिया, और ये इसका फॉर्मूला है 2 की पावर म्यू इनटू 15 किलोहर्ट्स। तो ये इसका ये न्यूमरोलॉजी हो गई, जो 0, 1, 2, 3 सब कैरियर स्पेसिंग हो गई, 15 किलोहर्ट्स, 30 किलोहर्ट्स, 60 किलोहर्ट्स एंड 120 किलोहर्ट्स, ये चार हो गई, और एक होती है 240 किलोहर्ट्स, ये वाली 240। तो ये 0 से लेकर 4 तक, अगर म्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो सब कैरियर स्पेसिंग है वो भी सब अलग अलग होगी। अब देखिए, ये देखते हैं हम, सबसे पहले ये हमारा रेडियो फ्रेम था 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का, इसके अंदर 10 सब फ्रेम थे और ये 10 स्लॉट्स थे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज है, जो 15 किलोहर्ट्ज की जब म्यू की वैल्यू जीरो है तो जो हमारा वन सब फ्रेम है इक्वल टू वन स्लॉट है और इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। एलटीई में क्या था, 2 स्लॉट थे, लेकिन 5G के अंदर वन सब फ्रेम इक्वल टू 1 स्लॉट अगर 15 किलोहर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग है, और फिर इस सब फ्रेम के अंदर या इस स्लॉट के अंदर 1 स्लॉट इक्वल टू 14 सिंबल्स इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। ये 14 सिंबल्स हैं इसके अंदर अगर ये 15 किलोहर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग है, यानी म्यू इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पे इन्होंने फिर से कुछ चेंजेस हो गए फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर। ये 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम इक्वल टू 20 स्लॉट्स इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे 20 स्लॉट हो गए अगर 30 किलोहर्ट्ज की जो सब कैरियर स्पेसिंग है और म्यू इक्वल टू 1 है, तो 1 सब फ्रेम इक्वल टू 2 स्लॉट इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे 20 स्लॉट हो गए पूरे, जो ये हमारा एक रेडियो फ्रेम है 10 मिलीसेकंड का, उसके अंदर 20 स्लॉट हो गए, और ये हमारे स्लॉट 1 स्लॉट इक्वल टू 14 सिंबल्स। सिंबल्स हमेशा 14 ही रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे ये चेंजेस कर रहे हैं 1 सब फ्रेम इक्वल टू 2 स्लॉट, इससे पीछे वाले में 1 सब फ्रेम इक्वल टू 1 स्लॉट अगर 15 किलोहर्ट्ज की है, यहाँ पे 13 किलोहर्ट्ज की है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आप थोड़ा सा इसको यूज टू करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे जाके। तो ये मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे कि 15 किलोहर्ट्ज में जो हमारे ये सब फ्रेम 1 सब फ्रेम इक्वल टू 1 स्लॉट है, लेकिन जो 30 किलोहर्ट्ज है 1 सब फ्रेम इक्वल टू 22 स्लॉट्स है। अब जब 60 किलोहर्ट्ज है म्यू हमारा हो गया 2, तो 1 सब फ्रेम इक्वल टू 4 स्लॉट। यहां पे देखिए, 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम इक्वल टू 40 स्लॉट इक्वल टू 10 मिलीसेकंड। तो यहां पे अब 40 स्लॉट हो गए, 1 सब फ्रेम में 4 स्लॉट हो गए, और स्लॉट तो हमारा हमेशा 14 सिंबल्स है ही, ठीक है। अब ये 120 किलोहर्ट्ज हो गया, म्यू हमारा हो गया 3, तो 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम इक्वल टू 80 स्लॉट इक्वल टू 10 मिलीसेकंड। 1 सब फ्रेम 8 स्लॉट होंगे इसके अंदर 1 मिलीसेकंड के। अब ये हमारे सिंबल तो हमारे 14 है ही, 1 सब कैरी इक्वल टू 120 किलोहर्ट्ज। अब जब 250 किलोहर्ट्ज है तो 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम इक्वल टू 160 स्लॉट। यहां पे एक सब फ्रेम के अंदर हमारे 16 स्लॉट आ गए 240 किलोहर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग है। देखिए बढ़ती जा रही है कैरियर स्पेसिंग, सब कैरियर स्पेसिंग, तो यहां पे 16 स्लॉट 1 मिलीसेकंड में आएंगे और सिंबल हमारे वो 14 ही है। तो ये हमारा म्यू की वैल्यू जब 4 होगी। अब आप इससे ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 0 अगर म्यू हमारा 0 है तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 स्लॉट, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 स्लॉट, जो कि 4 हमारे म्यू की वैल्यू है। तो इससे आप ये सब फ्रेम में कितने स्लॉट आएंगे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 240 किलोहर्ट्ज का फ्रेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। न्यूमरोलॉजी 0, 1, 2, 3, 15 किलोवाट सेम इन एलटीई में होती थी, 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 किलोवाट। स्लॉट्स पर सब फ्रेम, जो अभी मैं बता रहा था, एक स्लॉट एक सब फ्रेम के अंदर कितने स्लॉट होंगे। तो यहाँ 0 है तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2,
2^2 4, 2^3 8, और 2^4 जो कि 240 किलोहर्ट्ज का है वो हो गया 2^4 16 स्लॉट पर सब फ्रेम। तो ये एक डायग्राम है कि म्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अगर है तो नंबर ऑफ सिंबल्स पर स्लॉट इन वन स्लॉट, ये तो मैंने बताया था आपको हर बार 14 ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट इन वन सब फ्रेम, तो ये 2^0 मैंने बोला था 1, 2^2, 2^3, 2^4 ये हो गए, और ये हमारे हो गए नंबर ऑफ स्लॉट पर फ्रेम 10, 20, 40, 80, 60। ये देखिए यहां पे 160 स्लॉट, ये 80 स्लॉट, 40 स्लॉट, 20 स्लॉट, 10 स्लॉट, ये 10 स्लॉट। तो ये सारे डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया ये वैल्यू कैसे निकल के आई है 10, 20, 40, 80, 160, और ये हमारी 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ स्लॉट्स इन वन सब फ्रेम आ गए, ये नंबर ऑफ सिंबल्स इन वन स्लॉट जो कि हमेशा 14 ही रहेंगे। तो ये हमारा पूरा 5G का फ्रेम स्ट्रक्चर था डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज के साथ, 0 म्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स होंगे, कितने सब फ्रेम्स होंगे, तो उसके बेस पे ये सब अलग अलग कैलकुलेट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के और इनोवेटिव वीडियोज और नॉलेजेबल वीडियोज आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5G NSA एंड SA मोड्स। अब देखिए जो 5G है उसको दो मोड्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक है NSA नॉन स्टैंड अलोन, एक है SA स्टैंड अलोन ऑप्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो 5G NSA मोड है उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ये शुरू में LTE के ऊपर डिप्लॉयमेंट इसकी करी जाएगी, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग LTE डिप्लॉयमेंट। अब इधर आप देखिए ये आपका मोबाइल फोन है, ये LTE की ई नोड भी आप इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पे EPC है जो LTE का कोर नेटवर्क है, इवॉल्व पैकेट कोर, ये LTE के थ्रू कोर नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये हमारी 5G की सेल है NR, न्यू रेडियो NR, जो मैंने अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है NR, आप वहां पे भी देख सकते हैं NR से रिलेटेड आर्किटेक्चर वगैरह। तो NR जो है वो EPC कोर नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब ये डेटा प्लेन है और कंट्रोल प्लेन है, जो थिक लाइन है सब डेटा प्लेन है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और कंट्रोल प्लेन जो सिग्नलिंग के लिए होता है। तो जो NSA मोड है उसके अंदर जो सिग्नलिंग है वो LTE के थ्रू ही होगी, EPC के थ्रू ही होगी, ये सारा LTE पार्ट है। बस 5G का जो सेल यूज होगा वो डेटा के लिए यूज होगा। तो ये हमारा NSA मोड है, ये जो आर्किटेक्चर है ये NSA से रिलेटेड है। अब इसके अंदर LTE की तरह एक सिंपल एक नहीं है कि एक आर्किटेक्चर है, जो 5G उसमें डिफरेंट इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं कि जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट उस तरह का आर्किटेक्चर, उस तरह की डिप्लॉयमेंट। नो ओवरलोडिंग ऑफ EPC विद 5G सिग्नलिंग। अब देखिए जो 5G की सिग्नलिंग है वो EPC के को नहीं, मतलब नहीं है उसके अंदर 5G सिग्नलिंग, खाली डेटा के लिए ये यूज कर रहे हैं जो हमारा 5G का सेल है। ये हमारा है NSA मोड, नॉन स्टैंड अलोन मोड, इसको आप ध्यान रखिएगा, NSA मोड एंड SA मोड। SA होता है स्टैंड अलोन मोड, NSA होता है नॉन स्टैंड अलोन। नॉन स्टैंड अलोन का मतलब है कि ये खाली जो है वो एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं है, मतलब इसमें जो 5G है वो LTE पे डिपेंड करके इन्होंने डिप्लॉयमेंट करी हुई है। अब देखिए दूसरा मोड है 5G SA मोड। अब 5G SA मोड में क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये मोबाइल फोन है ये हमारी 5G की सेल है, ये LTE की सेल है, ये EPC, ये 5G का कोर नेटवर्क है, ये वो सॉरी LTE का कोर नेटवर्क है, और 5G को ये 5G का कोर नेटवर्क है, ये इंडिपेंडेंट है। आप देखिएगा SA मोड के अंदर दोनों अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरत नहीं है, ना LTE को 5G की जरूरत है, ना 5G को LTE की जरूरत है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको स्टैंड अलोन मोड बोला है कि वो खुद से जो है वो सब कुछ सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो NSA मोड है उसमें जब आप 5G शुरू में डिप्लॉय करेंगे तो जो सिग्नलिंग वगैरह है वो सब LTE के थ्रू ही होगी, एग्जिस्टिंग
4G इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा NSM मोड में। लेकिन अगर आप SM मोड में देखिए तो एक बिल्कुल कंप्लीट जो हमारा डिवाइस है वो 5G से पूरा सब कुछ सर्विसेज ले सकता है और LTE से भी ले सकता है। तो इस तरह का ये डिप्लॉयमेंट है, स्टैंड लोन मतलब सेल्फ जो सेल्फ सफिशिएंट है टेक्नोलॉजी पूरी सर्विस देने के लिए, तो फुल फ्लैज कंप्लीट 5G इंडिपेंडेंटली। ऐसे स्कीम इज दैट द 5G बेस स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 5G कोर नेटवर्क एंड कंट्रोल सिग्नलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द 4G नेटवर्क। अब इसके अंदर जो सिग्नलिंग है वो 4G नेटवर्क पे डिपेंड नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सिग्नलिंग थी वो 4G नेटवर्क पे डिपेंड थी, जो NSM मोड था 5G का, लेकिन यहाँ पे सिग्नलिंग जो है वो 5G पे ही हो रही है, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये हमने दो मोड डिस्कस करे, SA मोड एंड NSA मोड। अब कुछ आती है डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। अब जो ये मोड है NSA एंड SA, इसको डिप्लॉयमेंट जो ऑपरेटर जो डिप्लॉय करेगा वो कुछ इन्होंने डिवाइड करें ऑप्शंस वाइज। अब जैसे कि ये तीन ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1, 2 एंड 5, इसी तरह से इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑप्शन SA है, कौन सी NSA है, क्या क्या उनके नाम है, किस तरह से उनकी डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज है। अब देखिए जो SA है मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उसको दूसरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन 1 जो है स्टैंड अलोन LTE अंडर EPC, जो नॉर्मल हमारा LTE में नेटवर्क होता है EPC से कनेक्टेड होता है, उसको इन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया। ऑप्शन 2 में इन्होंने क्या बोला है, स्टैंड अलोन NR अंडर 5G कोर नेटवर्क। यहाँ सीधा NR की सेल है, 5G की सेल है और 5G का ही कोर नेटवर्क है, तो ये ऑप्शन 2 दे दिया। इसको भी इन्होंने कंप्लीटली SA डिप्लॉयमेंट बोला है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी LTE वेल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ 5G डायरेक्ट आपका 5G सेल है और 5G कोर नेटवर्क है। अब एक और इन्होंने डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिए, स्टैंड अलोन LTE अंडर 5G कोर। अब जो इन्होंने LTE की सेल है वो 5G कोर के साथ कनेक्टेड है, ये इन्होंने ऑप्शन 5 दिया है। तो ये भी मतलब जो LTE की सेल है वो 5G कोर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि स्टैंड अलोन LTE अंडर 5G कोर, यहाँ स्टैंड अलोन NR अंडर 5G कोर और यहाँ स्टैंड अलोन LTE अंडर EPC मतलब LTE कोर, ये EPC जो है LTE का कोर नेटवर्क है। तो ये तीन ऑप्शंस इन्होंने ऑप्शन 1, 2 एंड 5 से याद रखिएगा, ये तीनों ऑप्शंस इन्होंने SA डिप्लॉयमेंट मोड में डाली हुई है। अब जोन सा ऑपरेटर जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी उसको सर्विसेज देनी है कस्टमर को, उस तरह से वो डिप्लॉयमेंट कर सकता है। अब है 5G NSA डिप्लॉयमेंट मोड। अब इसके अंदर इन्होंने तीन मोड दिए हैं, ऑप्शन 3, 4 एंड 7। ये तीन मोड जो हैं ये NSA के अंदर आएंगे। जो शुरू में डिप्लॉयमेंट जो हुई हैं वो ये ऑप्शन 3 से हुई है, जिसके अंदर जो हमारा LTE नेटवर्क है वो LTE EPC कोर नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जो हमारी ये सेल है NR सेल है वो EPC से कनेक्टेड है। तो ये नॉर्मली सबसे पहले डिप्लॉयमेंट हुई थी कि इसके अंदर एग्जिस्टिंग LTE का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया था, इसको बोलते हैं ऑप्शन 3, नॉन स्टैंड अलोन LTE अंडर NR एंड NR अंडर EPC, ये है ऑप्शन 3। अब इस वाली ऑप्शन में देखिए जो ये क्या है कि ये 5G के अंदर जो कोर नेटवर्क है वो 5G का है और जो हमारी सेल है वो 5G NR है, लेकिन LTE भी 5G के कोर नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये है ऑप्शन 4। मतलब इन्होंने अलग अलग तरह से डिप्लॉयमेंट करी हुई है कि कहीं पे LTE से LTE नेटवर्क को इन्होंने मेन नेटवर्क बना दिया, कहीं पे 5G नेटवर्क को मेन नेटवर्क बना दिया और दूसरी टेक्नोलॉजी LTE की सेल लगा दी, और जैसे यहाँ पे इन्होंने 5G की सेल लगा दी लेकिन जो मेन नेटवर्क है वो LTE का लगा दिया। अब इसमें इस सिनेरियो में इन्होंने क्या किया, ऑप्शन 7 में जो 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 कोर नेटवर्क है वो 5G का है और सेल जो है वो LTE की है और जो 5G सेल है वो भी कनेक्टेड है, तो इस तरह से इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो ये ऑप्शन 7। तो ये तीन ऑप्शंस इन्होंने NSA डिप्लॉयमेंट में रखी है, ऑप्शन 3, 4, 7, सिर्फ इन्होंने अलग अलग तरह से सिनेरियोज बनाए हैं, जो सा भी ऑपरेटर चाहे वो सिनेरियो वो डिप्लॉय कर सकता है अपने नेटवर्क के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5G BWP कंसेप्ट। अब देखिए BWP कंसेप्ट ये 5G में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो BWP है, बैंडविड्थ पार्ट, इज अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 5G मेनली टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन
कंजम्पशन ऑफ द मोबाइल फोन एज द 5G बैंडविड्थ इज लार्ज अप टू 400 मेगाहर्ट्ज़। अब देखिए जो 5G है उसके अंदर इन्होंने जो बैंडविड्थ है उसका साइज काफी बढ़ा दिया है, 400 मेगाहर्ट्ज़ तक कर दिया है। LTE के अंदर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक था, यहाँ पे इन्होंने 400 मेगाहर्ट्ज़ तक कर दिया है। तो इससे क्या होगा, अगर ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है यूई तो पावर लेवल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसी को इन्होंने मेंटेन करने के लिए एक BWP कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है 5G के अंदर। अब देखिए BWP कंसेप्ट अनेबल यूज टू ऑपरेट इन नैरो बैंड एंड व्हेन यूजर डिमांड्स मोर डेटा इट कैन इन्फॉर्म Gnode टू अनेबल वाइडर बैंडविड्थ। अब देखिए अगर आप सपोज नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं या नॉर्मल वेब सर्फिंग कर रहे हैं तो आपको कोई ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बैंडविड्थ एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक इसके अंदर BWP बना दिया जाएगा कि कम बैंडविड्थ के लिए, तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग, रियल टाइम गेमिंग कर रहे हैं या रियल टाइम वीडियो सर्फिंग बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक और सेपरेट बैंडविड्थ इन्फॉर्म कर दी जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा डेटा यूज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपलिंक डाउनलिंक में आप डेटा चाहते हैं, तो उसलिए आपको बैंडविड्थ जो ज्यादा मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है वो आपको एलोकेट कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल बैंडविड्थ थी, ओवरऑल कैरियर ये टोटल बैंडविड्थ थी जिसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, BWP1 और BWP2। तो इससे इन्होंने बैंडविड्थ को डिवाइड कर दिया। यूजर जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी, Gnode भी यहाँ पे Gnode भी है 5G में, उसके हिसाब से ही आपको BWP आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 5G के अंदर दो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 और 2। जो फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन 6 GHz है उसमें अप टू 100 MHz तक आपकी जो बैंडविड्थ है आप यूज कर सकते हैं। FR2 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेंज 2 है उसके अंदर अगर ग्रेटर देन 6 GHz है यानी हाई फ्रीक्वेंसी और मिलीमीटर वेव अबव 24 GHz दैट सपोर्ट बैंडविड्थ अप टू 400 MHz। तो ये जो BWP है वो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि एक तो लेस फ्रीक्वेंसी के लिए और एक हाई फ्रीक्वेंसीज जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके लिए इन्होंने जो बैंडविड्थ है उसको अप टू 400 MHz FR2 में इन्होंने दे दिया है। तो इसके बेसिस पे आपको जो BWP है वो एलोकेट कर दी जाएगी। अब देखिए जो ये BWP है, यूई कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद अप टू 4 BWPs इन द डाउनलिंक एंड अपलिंक। तो 4 आपको BWP आप एलोकेट कर सकते हैं अलग अलग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे जैसे BWP 1, 2, BWP 4, BWP 3, बट ओनली सिंगल बैंडविड्थ पार्ट विल एक्टिवेट वन टाइम। लेकिन एक टाइम पे आप पैरेलली डिफरेंट बैंडविड्थ नहीं यूज कर सकते, आप एक टाइम पे एक ही पार्ट BWP का जोन सा भी आप करना चाहते हैं एक्टिव रहेगा आपका। तो ये BWP में एक और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एक चेक पॉइंट लगा दिया कि आप 4 BWP ले सकते हैं अपलिंक में भी और डाउनलिंक में भी, लेकिन एट अ सिंगल टाइम सिंगल बैंडविड्थ पार्ट विल बी एक्टिव। तो ये एक इन्होंने और डाल दिया इसके अंदर BWP के अंदर। हाँ तो ये थैंक यू स्लाइड पहले आ गई, तो एक और ये भी टॉपिक इसके अंदर ही है 5GB BWP कंसेप्ट के अंदर ही। अब देखिए यहाँ पे देखिए BWP 1, BWP 2, BWP 3। अब यहाँ पे 3 BWP इन्होंने डाल दिए हैं। अब ये हो गया हमारा 30 KHz के लिए सब कैरियर स्पेसिंग, ये 50 KHz, ये 60 KHz सब कैरियर स्पेसिंग। तो इन्होंने देखिए अलग अलग तरह से बैंडविड्थ डिवाइड कर दी जो हमने अभी अभी डिसाइड किया। यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी 1 μ = 1 है या μ = 0 है या μ = 2 है। तो इस तरह से 5G के अंदर इन्होंने अलग अलग बैंडविड्थ, या आपने डायग्राम कई जगह देखा भी होगा, तो इसी तरह से इन्होंने BWP अलग अलग 3 तरह के इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो ये है 5G का BWP कंसेप्ट जिसके अंदर जो बैंडविड्थ है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।